हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ आज गुवाहाटी में। आप लोगों को जितना दूर जाऊंगा मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। सो गाइस, मैं आ गया अब पारघाट में, धीरे धीरे जा रहा हूँ। आप लोग मेरे पूरा ब्लॉग देखिए और पूरा वीडियो देखिए क्या क्या होता है गाइस। आप लोगों को दिखाता हो, हमारा जो गाँव से थोड़ा 8 किलोमीटर, मेरा जो घर है मेरा घर से 8 किलोमीटर दूरी पर एक नदी है, एक नहीं है दो नदी है, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है जलजली सूती। गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा नदी। सो गाइस, देखते रहिए पूरा वीडियो आप लोगों के साथ। मैं हूँ इमदादुल हक। ये देखिए पारघाट में बहुत सारा ई रिक्शा। नदी में ऐसा पेड़ होता है, इसे चावन कहते हैं। दुकान भी दे दिया देखिए। सो गाइस, ये जो नदी है आप लोग देख रहे हैं, ये नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, जो सोदिया से हमारा असम की स्टार्टिंग जो हुआ है सोदिया, उधर से बह के आगे यह नदी और पूरा धुबरी तक चला गया ये नदी। पहाड़ दिख रहा है, एक पहाड़ नगरपरा पहाड़ है, नगरपरा रंगेश्वरी पहाड़। बहुत चौड़ा नदी है, ये नाव से हम लोग उस पार चला जाएंगे। जो आदमी आ गया वो आदमी ये नाव लेकर उस पार जाएगा। देखिए देखिए गाइस, बहुत सारे आदमी जाने के लिए, क्या हुआ मालूम नहीं, नाव खराब हुआ है, जाएगा या नहीं मालूम नहीं। चौके जाने वक्त आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, मैं जितना दूर जाऊंगा आप लोग मेरे साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए।
मैं एक नदी पार होकर इस पार आ गया और थोड़ा टाइम पैदलना पड़ेगा, पैदल के उस और एक नदी है, वो नदी भी पार होना होगा। बाद में एक गाड़ी स्टेशन मिलेगा, वो जगह का नाम है नगरबरा। सो गाइस, मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखाते रहूँगा, आप लोग मेरे साथ ही रहिए। ये पूरा बालूर चौर है, देखिए कितना जंगल हो गया। एक नदी पार होकर आ गया मैं, और आगे और एक नदी भी दिखाऊंगा गाइस। इधर बालू नदी भी है, लेकिन इसके अंदर आदमी खेती बाड़ी भी करते हैं। देखिए एक कलाई का आवाज किया आदमी। हाय गाइस, मैं एक्चुअली जा रहा हूँ गुवाहाटी में। गुवाहाटी जगह का नाम है सोनापुर गाइस, उस तक जाऊँगा मैं। उधर एक साइंस सिटी हो रहा है गाइस, आप लोगों को वो भी दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। साइंस सिटी में गाइस ऐसा एक जगह हो रहा है जिधर म्यूजियम सिस्टम हो रहा है, जिधर पुराने चीज या नया कुछ सामान ऐसा कुछ मौजूद करके रखने के लिए वो जगह बना रहा है। उधर बहुत बहुत बड़ा आइडिया हो रहा है गाइस, उधर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मेरा कोई काम नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूँ। सो इसलिए उधर मेरे को एक आदमी ने काम में बुलाया, इसलिए काम करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि क्या काम मिलेगा शायद मुझे पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उधर जाने की बात जो हिसाब निकास करने का जो काम है मोहरी, वो काम के लिए मुझे बुलाया एक ठेकेदार ने। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सामने देखिए और एक नदी, वो नदी में भी आ गया थोड़ा दूर, आप लोग देखिए। देखिए गाइस, ये सब उस पार भी जा रहा है। सो गाइस, आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, कि मेरे पास कोई बाइक नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मैं पैदल पैदल कर जा रहा हूँ। पहले मेरे घर से जब निकला मैं, तब मैं एक ई रिक्शा से आ गया एक बाज़ार तक जो घाट पर है, घाट पर तक मैं ई रिक्शा से आ गया, और अब जा रहा हूँ पैदल पैदल से। सो गाइस, इसमें एक दलों की बहुत ज़रूरत है गाइस इधर, लेकिन नहीं हो रहा है, सरकार का नज़र नहीं पड़ रहा है इधर, क्या होगा पता नहीं, होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो ऐसा ही आना जाना पड़ेगा। इस देखिए बहुत सारे आदमी आ रहा है, सब पैदल के आ रहा है। ये सब आदमी बदल के आ रहा है, क्योंकि आप फ्लोडिंग एरिया है हमारा, फ्लोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए दोलोंग भी नहीं है। दोलोंग बनाता है जो बाम्बो होता है, बाम्बो से दोलोंग बनाता है, जब पानी कम हो जाता है तब बनाता है, लेकिन अब बहुत पानी हो गया, इसलिए इधर जो दोलोंग है, दोलोंग भी खत्म हो गया, दलंग उठा दिया, अब नाव लगा रहे, नाव से आना जाना कर रहा है गाइस। सो गाइस, इस ब्लॉग में ये नदी पार होकर एक बाजार है, बाजार में जाकर ही आप लोगों के लिए इस ब्लॉग खत्म कर दूंगा सामने, और जितना दूर जाऊंगा आप लोगों को दिखाते रहूंगा, कि ज़्यादा लॉन्ग होने से भी दिखने से भी दिक्कत होता है, अच्छा नहीं लगता है। गाइस देखिए, इस चौर में भी आबाद करने के लिए देखिए हाल मर रहा है ट्रैक्टर से। देखिए गाइस, ये गाइस देखिए ये बच्चा, बस मेरा आने के पहले एक नाव छोड़ दिया, मैंने पकड़ नहीं पाया, शायद और तरह तेज़ी से आते तो मिल जाते हैं नाव भी।
लेकिन आ रहा है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। गैस देखिए, इधर भी एक दुकान दे दिया, ठीक है, वो ना भी आ रहा है। गैस मैंने आप लोगों को जो दो नदी का नाम पहले बता दिया, ये भी और एक नदी है, इसका नाम है जलजली सूती। गैस एक नदी मैंने पार करके आ गया जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र, और मैं आप आ गया जलजली नदी पार होना पड़ेगा मेरा। और सामने नगरपरा बाजार है, और बाजार से और बाजार में जाने के बाद ही मेरे को स्टेशन मिल जाएगा, गाड़ी के स्टेशन। उधर जाकर मेरे गाड़ी में उतना पड़ेगा, बाद में उधर से यात्रा शुरू हो जाएगा। गैस आप लोग देखते रहिए, मैं स्टेशन में जाकर ही आप लोगों को ये ब्लॉग ख़त्म कर दूंगा। देखिए गैस, ये है जलजली सूती, मैं अब पार हो रहा हूँ। ये पार घाट है, देखिए गैस ये नगरपरा। गैस देखिए, इधर लिखा हुआ SB लुइट 1 बोट ओनर अब्दुल बाशार आंसरी, रजिस्टर नंबर है गैस देखिए 2567। गैस इधर ये नाव का मालिक है अबुल बाशार आंसरी। सो गैस इधर जितना नाव चलाता है पारापार करते हैं सब ये पार सरकारी है, लेकिन इधर जो नाव है, जितना नाव है, नाव का मालिक भी है, सब नाव किराए में चलते हैं। इस पार से उस पार जाने की वक्त कितना लगता है आप, शायद 20 रुपया लेता है गैस। तो गैस देखते रहिए, बाजार में जाकर ही ये ब्लॉग में ख़त्म कर दूंगा आप लोगों के लिए। सो गैस मैं इस बार पार होके आ गया। गैस ये है नगरपरा पार घाट, नगरपरा पार घाट का इतना ही है। सो गैस आप लोगों को सामने दिखाता हूँ, और जो गाड़ी स्टेशन है, गाड़ी स्टेशन में जाऊँगा, और कौन सा गाड़ी में जाना पड़ेगा ये तो मालूम नहीं है, शायद ट्रेवलर हो या बस भी हो, जो भी मिलेगा उसमें ही जाना पड़ेगा। देखते रहिए गैस आप लोगों को, सामने एक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार, ये देखिए ये सब आदमी आ गया नाव से, अभी अभी पार होके आ गया मेरे साथ ही। गैस वो है मार्केट, एक मस्जिद भी है गैस, इधर देखिए कितना बड़ा मस्जिद है। देखिए गैस नगरपरा बाजार के अंदर ही है यह मस्जिद, मस्जिद की मीनार बहुत बड़ा बड़ा है, दो तला है। देखिए गैस खराब के दिखा था, बहुत बड़ा मस्जिद है। गैस एक्चुअली आज गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो खेल है वो खेल हो रहा है गैस, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है गैस, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो मैं भी जाता खेल देखने के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। सो गैस जाऊँगा एक दिन भी उधर, खेल भी दिखूँगा आप लोगों को, दिखाऊँगा जितना हो सके गैस। अब पूजा का मार्केट है, पूजा का मार्केट है, हर तरीके का सामान, देखिए खिलौने, बहुत सारे खिलौने आ गया। सब पूजा का मार्केट के लिए सजा रखा है। मेरा घर से ये 8 किलोमीटर अब खत्म हो गया गाइस, 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गाड़ी स्टेशन है, और थोड़ा सामने जाना पड़ेगा, ये नगरपरा मार्केट है। ये देखिए गैस पूजा का खिलौने, देखिए गैस बहुत बड़ा मार्केट है।
आदमी लोग सब मार्केट के लिए आ गया। देखिए इधर भी है बहुत सारे, देखिए गाइस कपड़ा का दुकान, बहुत सारे कपड़ा का दुकान। देखिए गाइस आदमी करते नहीं क्या, इस पेड़ तो सबके पास ही है। देखिए पेड़ के लिए कितना मेहनत कर रहा है। यह है नगरपरा मार्केट का गाड़ी स्टेशन, गैस मिलेगा या नहीं मालूम नहीं है, मिलना ही होगा क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा ना बहुत दूर, लगभग 180 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इस स्टेशन से जालकबारी तक 80 किलोमीटर, शायद 80-90 ऐसा होगा, और जालकबारी से भी सोनापुर जाने की उधर कम से कम 30-35 ऐसा होगा गाइस, बहुत दूर जाना पड़ेगा। गाइस ये देखिए मेरा गाड़ी मिल गया, शायद ये गाड़ी गुवाहाटी में जाएगा। हाँ गाइस ये देखिए मिल गया, ये गाड़ी गुवाहाटी में जाएगा, गुवाहाटी जालकबारी तक जाएगा, गुवाहाटी जालकबारी से में उधर से ही और सोनापुर जाने की तक यात्रा शुरू करूँगा गाइस। सो गाइस ये वीडियो इतना ही है, मैं जितने दूर जाऊँगा आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ। सो आप लोग सुखी रहिए, सुख बांटते रहिए। आज के लिए इतने, बाय बाय। Thank you.